हम बात करेंगे बिहार के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के लिए शेखपुरा रेलवे स्टेशन से नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में, जिसका लक्ष्य जनवरी 2025 तक रखा गया है और इसको तैयार करने के लिए इस बार के बजट में 10.07 अरब रुपए अनुमानित किए गए। इस वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के साथ साथ पूरी जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल बिहार वासियों का सफ़र आसान बनाने के लिए रेलवे कई तरह की एक्सप्रेस, वंदे भारत और लोकल सेवाओं को एक्सटेंड कर रही है। फिलहाल बिहार के हिस्से में 4 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जुड़ जाने के बाद अब एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इधर एक नए प्रोजेक्ट जो कि बिहार के नवादा से बिहार शरीफ के लिए बनाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। रेलवे लाइन के लिए DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट होने तक पटना आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने के लिए राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन का भी बात चल रहा है। लेकिन इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बिहार शरीफ नवादा नई रेलवे लाइन के डिटेल्स के बारे में। दरअसल इस दौरान जनवरी 2025 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी में परेशानी आ रही है, लेकिन उसे भी ध्यान में रखते हुए PM के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर खास नज़र बनाए रखने के लिए और इस बार के बजट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर है, इसे 10.07 अरब रुपये से अनुमानित किया गया है, जो कि नवादा और बिहार शरीफ के बीच बनेगा। नवादा के बाद सामाय और आदमपुर गांव में इसे हॉल्ट बनाया जाएगा, जहां पर स्टेशन परिसर का निर्माण होगा। इसके साथ ही नालंदा जिले में पावापुरी में भी स्टेशन होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल काम तेज गति से चालू है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे अन्य डिटेल्स के बारे में। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।